तो दोस्तों ये मुझे दिया, हमने भाई का देखा ये भाई ने मुझे। तो रास्ते में यहाँ पर पुलिस स्टेशन मिला तो सर लोगों ने हमें, सर थैंक यू वेरी मच सर, सो सर लोगों ने हमें ये टी ऑफर किया है। सो हेलो, वेलकम बैक टू माई चैनल गाइस। मिस्टर गो के चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मिस्टर गो यानी मैं उदित राणा। तो अभी जो लोग मेरे चैनल पे नए व्यूअर्स हैं, प्लीज जाके सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को हिट कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले ऑल इंडिया टूर के ब्लॉग आप तक पहुँच सके। बाकी आज हम खंडर से निकल कर फिर आगे का सफर तय करने वाले हैं। बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली गाइस यहाँ पर कुछ लोकल बंदे मिले हैं हमें, तो यहाँ पर हमें लिफ्ट तो मिली नहीं, अभी निकलना है। राज भाई बोला था कि यहाँ पर टेंट लगाना क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है, 3 दिन फालतू का वेस्ट हो चुका है हमारा, तो हम यहाँ पर रुक नहीं सके, तो रात को भी हम चलते रहेंगे। बाकी ये बंदे हैं तो जिन्होंने अभी थोड़ी देर के लिए हमें हेल्प किया, पानी वगैरह दिया। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पर जो बंदे मिले थे हमें, उन्होंने हमें अपने साथ ही रख दिया और उन लोगों ने हमारे लिए एक अच्छा सा खाना भी ला दिया है। भाई साहब भूखे थे सुबह से भयंकर ना। तो ये भाई लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर मतलब हमें मतलब रात को स्टे करने के लिए दिया है। तो ये हमारा फोन वगैरह पूरा चार्ज हो रहा है और ये भाई लोग है। से हाय हाय। सो भाई साहब साउथ में इतने अच्छे लोग हैं। हम खड़े हुए थे लिटरली हम खड़े हुए थे और भाई आए और बोला कि भाई तुम लोगों ने खाना खाया नहीं खाया। इन दोनों को समझ में आता है वो लैंग्वेज। तो भाई यहाँ पर एक भाई का बर्थडे भी है, तो भाई ने मतलब इन लोगों ने आज हमें बर्थडे के दिन अपने यहाँ रुकने दिया है। सो बर्थडे का केक, तो भाई का बर्थडे है, तो हम सब लोग बर्थडे के दिन रुके हैं यहाँ पर। देख सकते हो आज इस तरीके का अभी माहौल बन रहा है। तो ये राजवीर भी है और यहाँ पर अभिजीत भी है। तो यार यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो यार तो ये जल चुका है भाई का। अरे भाई का बर्थडे और आपके बर्थडे में ही है। अरे भाई, अरे भाई। दोस्तों मैं सबका नाम बोलूंगा है ना, सबसे नाम पूछूंगा। ओके, योर नेम? ओके, कौन वाइस है? सत्या 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 मंटी बंटी तेजस तेजस मोहन कुमार मोहन एंड पुनीत पुनीत योगेश योगेश मनोज मनोज रंजिता एंड राजेश एंड ये सब इतने अच्छे हैं ना भाई साहब, सब सब के सब भाई हमें वेलकम किया अपने रूम पे है ना। ये लोग भी आई थिंक यहाँ पर वर्क करते हैं, इसमें 3 जने की आराम से तो मतलब इतना वेलकमिंग नेचर है भाई साहब। तो यही है साउथ इंडिया, दिस इज साउथ इंडिया। आपको खिलाना है पूरा माइंड। ओके थैंक यू। तो दोस्तों ये मुझे दिया, हमें भाई का देखा ये भाई ने मुझे दिया है तो ये भी खाता यार। हैप्पी बर्थडे अगेन बड़ोदर। तो चलो केक एंजॉय करते हैं। तो फाइनल का लिफ्ट मिल चुका है हमें। कहाँ तक? तो ये भैया आया। तो फाइनल का भैया ने हमें लिफ्ट दे दिया है, तो थैंक यू वेरी मच भैया। अरे भाई साहब, हाँ रख दे भाई साहब। हाँ 70 किलोमीटर पैदल यात्रा करके फाइनली भैया मिल गए हमें वो जी। तो दोस्तों हम कार के अंदर बैठ चुके हैं, तो थैंक यू भैया। तो भैया ने हमें लिफ्ट दिया है। तो दोस्तों फाइनली अन्ना ने हमें लिफ्ट दिया था वहाँ से जहाँ पर नंजनगुड़ से चामराज नगर तक। तो अन्ना का यहाँ पर फैक्ट्री है, छोटा सा बिजनेस है, ये पूरा टायर रिसोलिंग का। तो उन्होंने हमें लिफ्ट दिया था, तो उन्होंने ही हमें खाना वगैरह प्रॉपर यहाँ का कल्चर का खाना वगैरह खिला रहे। तो यहाँ पर उनके ऑफिस में बैठ के खा रहे। तो ये है, तो
अभी यहाँ पर प्रॉपर। सो थैंक यू अन्ना। सो अन्ना ने हमें खाना वगैरह यहाँ का प्रॉपर ट्रेडिशनल खाना ला के दिया, तो यहाँ खाना खा के हम निकलते हैं फॉल्स की तरफ। तब तक स्टे ट्यून। तो फाइनली गाइस यहाँ पर हमारे अन्ना ने गिफ्ट दे दिया है। 15 किलोमीटर तक का सफर अन्ना देख के आगे आगे तक भाई साहब। थैंक यू अन्ना। तो दोस्तों दिन भर चलने के बाद हम टोटल 45 किलोमीटर तय करते हैं लिफ्ट वगैरह भी लेकर। अब बाकी रात को हम पुलिस स्टेशन पे थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। यहीं पर हम थोड़ा रात ज़्यादा होने के 9:30 हो चुके हैं। रास्ते में बहुत ज़्यादा बारिश हुई तो ये है हाल। तो ये देखो पेंट वगैरह पूरा गीला हो रखा है, जैकेट भी पूरा गीला हो गया और विंडशीटर वगैरह बैग वगैरह पूरा गीला हो गया है। लेकिन रुकना है नहीं, हमें सर्दी भी लग रही है और बुखार भी हो रखा है, लेकिन रुकना है नहीं, चलते रहना है। ये थी तो रास्ते में यहाँ पर पुलिस स्टेशन मिला तो सर लोगों ने हमें सर थैंक यू वेरी मच। सो सर लोगों ने हमें ये टी ऑफर किया है, तो बाकी अभी टी पीते उसके बाद थोड़ी देर आधे घंटे रुकने के बाद फिर हम निकलना है। अब सुबह तक जैसे भी करके हमें शिव समुंदर पहुँचना है, बस माइंड में टारगेट है। बाकी वहीं जाके रेस्ट वगैरह करेंगे, तब तक स्टे ट्यून। तो फाइनली गाइस रात के 10 बज चुके हैं और हमें इस पिकअप पे लिफ्ट मिला है शिव समंदर के लिए। तो पूरा शरीर भीग चुका है और वहीं जाके टेंट लगा के, तो बाकी तब तक स्टे ट्यून। तो दोस्तों शिव समंदर तक के लिए हमें लिफ्ट मिल चुका है। बाकी होप आप लोगों ने वीडियो को एंजॉय किया होगा, और वीडियो को एंजॉय किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना, भाई को प्यार दो, बहुत सारा प्यार दो और शेयर भी कर दो, हो सके लाइक बटन को दबा दो। और आप लोग ना कमेंट नहीं करते हो तो आप ये बताओ कि मतलब क्या चीज़ सबसे अच्छी लगी। बाकी बहुत अच्छा लगा एक्सपीरियंस, लोगों ने हमें वेलकम किया, भाई का बर्थडे भी था। बाकी नेक्स्ट व्लॉग तक बने रहो आपके मिस्टर के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। टाटा बाय बाय।